हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है ये वाउचर क्या होता है, ये फोर्थ डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये वाउचर और फोर्थ डॉक्यूमेंट फर्क क्या होता है, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है? अगर नहीं पता तो आज के लेक्चर के बाद आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज आज मैं आपके लिए लाया हूँ द वन शॉर्ट वीडियो ऑफ द फोर्थ डॉक्यूमेंट। यस, इस एक घंटे के वीडियो के अंदर मैंने ये पूरा चैप्टर कवर किया है, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सब कुछ। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये लेक्चर तक जरूर देख लेना। अगर आपने लेक्चर एक घंटे का लेक्चर है, सिर्फ एक घंटे का एंड तक देख लिया, उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं ना फोर्थ डॉक्यूमेंट के, वो हवा हो जाएंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ये फोर्थ डॉक्यूमेंट होता क्या है, व्हाट इज अ फोर्थ डॉक्यूमेंट? देखो, फोर्थ डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे मैं एंट्री करता हूं, जिसके बेसिस पे मैं जनरल एंट्री करता हूं। जैसे कि अगर मैंने लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप मैंने खरीदा 50,000 का, तो भैया 50,000 का कोई बिल तो होगा, कोई पैक, कोई कैश मेमो तो होगा, कोई इनवॉइस तो होगा, कोई रिसीट तो होगा, कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा जिसके बेसिस पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर मेरे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो मैं, जो मेरा ऑडिटर आएगा, वो मुझे पूछेगा तुमने लैपटॉप कितने का लिया, मैं कैसे उसको प्रूफ करूंगा कि भाई मैंने लैपटॉप 50,000 का लिया? तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होगा और उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होगा कि भाई मैंने ये लैपटॉप कौन सी डेट पे लिया, उस लैपटॉप का जो मैंने जो खरीदा उसका बिल नंबर क्या है, किससे मैंने खरीदा, उसमें कितना मेरा अमाउंट है, मैंने कैसे पे किया, कैश से पे किया, बैंक से पे किया, या मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया, वो सब उसके उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा और उसी को मैं बोलता हूं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट विच फर्स्ट रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। बुक्स में मैं जनरल एंट्री तभी करूंगा जब मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। तो मैं अगर कोई भी चीज खरीदूं, मशीनरी, व्हीकल, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होगा जो प्रूफ होगा कि हां, मैंने इतने पे चीज बेची है या मैंने खरीदी है। क्लियर है? फोर्थ डॉक्यूमेंट नॉर्मली क्या क्या कंटेन होते हैं? नॉर्मली कॉमन सेंस क्या होगा भाई, कब मैंने ट्रांजैक्शन की है, किससे, कौन कौन सी मेरी पार्टीज इन्वॉल्व है। अगर मैंने रिलायंस से कुछ सामान खरीदा है, तो रिलायंस इंडस्ट्री मेरी पार्टी हो गई है। अमाउंट कितने का मैंने सामान लिया और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, क्या मैंने सामान बेचा है, क्या मैंने सामान खरीदा है। तो ये फोर्थ डॉक्यूमेंट में सब कुछ होगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट वे जहां पे मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूं, ये मेरा पहला स्टेप होता है। फोर्थ डॉक्यूमेंट सर्व एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। कभी कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया, मैंने कोई सपोज करो लैपटॉप खरीदा 50,000 का, राइट, उसने बिल बनाया 50,000 का। अब वो जो लैपटॉप वाला है, मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया, मैंने कहा पे 5-10 दिन बाद करूंगा। फिर लैपटॉप 10 दिन बाद ये नहीं बोलता नहीं, आपको 70,000 पे करने हैं, 1,00,000 पे करने हैं। मैं बोलूंगा भाई ये रहा ना बिल, ये रहा तेरा बिल, ये रहा बिल, इसमें लिखा हुआ 50,000, तो मैं 50,000 पे करूंगा। तो इसका मतलब है ये लीगल डिस्प्यूट में मेरा हेल्प करता है। फोर्थ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड टैक्सेशन पर्पस ऑल्सो। क्लियर है? यहां पर समझ में आया? तो व्हाट आर द टाइप ऑफ, कितने टाइप ऑफ फोर्थ डॉक्यूमेंट होते हैं? देखो, नंबर ऑफ टाइप होते हैं। एक होता है कैश मेमो, अभी सब बताऊंगा। कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप और चेक, ये नंबर ऑफ फोर्थ डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बेसिस पे मैं एंट्री रिकॉर्ड करता हूं। चलो एक काम करते हैं, इस पे नहीं पढ़ते, अपन एक एक करके समझते हैं कैश मेमो क्या होता है। तो लेट स्टार्ट विथ व्हाट इज अ कैश मेमो। देखो, कैश मेमो, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स द गुड फॉर कैश, ट्रेडर गिव्स द कैश मेमो। सपोज करो मैं एक सामान, मैं आपको लैपटॉप का एग्जांपल देता हूं। अगर मैं लैपटॉप खरीदने गया और मैंने उसको इमीडिएटली कैश पे कर दिया, ये लो भाई लैपटॉप उसने दिया, और मैंने लैपटॉप परचेज किया और मैंने इमीडिएटली कैश उसको दे दिया, इसका मतलब है वो कैश मेमो इशू करेगा। क्या इशू करेगा? ही विल इशू अ कैश मेमो व्हेन अ ट्रेडर परचेज द गुड, ट्रेडर रिसीव द कैश मेमो। बट ऑब्वियस, जब मैं कोई सामान खरीदूंगा तो मुझे कैश मेमो मिलेगा। अरे भाई, मैंने सामान खरीदा, मिस्टर राहुल से एक लैपटॉप लिया, तो राहुल मुझे कैश मेमो देगा, मुझे देगा। जो सामान बेचता है वो कैश मेमो इशू करता है। तो अगर सपोज करो मैं हूं राहुल और मैं सामान बेचता हूं, तो मैं कैश मेमो मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि मैंने सामान बेचा है, और जो सामान खरीदता है उसको कैश मेमो मिलता है। तो आप अगर शॉपर स्टॉप जाते हो, वेबसाइट जाते हो,
जूडी हो जाते हो, तो आप जब उसको पैसे पे करते हो तो आपको बिल मिलता है, कैश मेमो मिलता है। देखना बिल के ऊपर कैश मेमो लिखा हुआ होगा कि आपने इसका कैश पे कर दिया। तो जब आप खरीदते हो तो आपको मिलता है, और ध्यान रखना आपको ओरिजिनल मिलेगा, आपको ओरिजिनल कैश मेमो मिलेगा, और जो डुप्लीकेट कैश मेमो है वो दुकानदार अपने पास रख देगा। मतलब अगर मैं सामान खरीदूंगा जूडियो से खरीदूंगा, तो जूडियो मुझे ओरिजिनल कैश मेमो देगा, मैंने खरीदा है, मेरे पास ओरिजिनल होना चाहिए, और वो जूडियो अपने पास डुप्लीकेट रखेगा, उसकी कॉपी रखेगा, जिसके बेसिस पे वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। क्लियर है? और नॉर्मली कैश मेमो में क्या क्या होता है, कैश मेमो में होता है डेट, बट ऑब्वियस या आपको बिल देखोगे तो आप बिल में देखना क्या क्या होगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश मेमो नंबर, बिल नंबर क्या है भैया 427 बिल नंबर सपोज करो, क्या पार्टीज का इन्वॉल्व है, अगर आपका पार्टी का नाम नहीं है तो नॉर्मल लिखेगा कस्टमर, लिख दे कस्टमर, कितनी क्वांटिटी ली, आपने 10 शर्ट लिए तो 10 शर्ट क्या प्राइस पे लिया, वो कितना डिस्काउंट उसने लगाया, आपने 10 शर्ट लिए, एक शर्ट 1000 रुपये का और उसने डिस्काउंट दिया 200 रुपये का, तो 10,000 रुपये का तो बिल बना, 200 रुपये का डिस्काउंट मिला, 9,800 रुपये आपका बिल हुआ। एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, भाई मैं परचेज कर रहा हूं सेल कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ होगा, तो अगर जूडियो कर रहा है तो वो करेगा, वो डिसाइड करेगा जूडियो के लिए वो सेल ट्रांजैक्शन है, तो जूडियो अपने अपने एंगल से वो रिकॉर्ड करेगा। समझ में आया? तो कैश मेमो कुछ इस तरह से दिखता है, कैश मेमो विशाल स्टेट, कैश मेमो नंबर, ये अभी आप जो अभी जो बिल आते हैं वो लंबे बिल होते हैं, पर नॉर्मली कंपनीज ऐसे रेफ करती है कैश मेमो नंबर। देखो ये है कंपनी जो इशू कर रही है, जो इशू कर रही है कैश मेमो, ओके, जिसको पैसा मिला है, ये किसको दे रही है, सैन्यो ट्रेडर को देती है, ये पार्टी को दे रही है जिसने पैसा पे किया है, जो पैसा पे करेगा उसका नाम यहां पे आएगा, डेट कौन सी डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है, क्या इसका बिल नंबर क्या है, 826 नंबर है, ओके, ये उसका एड्रेस है जिसने पैसे पे किए, उसने क्या क्या खरीदा, 2 बियरिंग ली, 5 स्टैंडी लिए, टोटल उसका इतना बिल हुआ, टोटल इतना बिल में से उतना डिस्काउंट मिला, नेट इतना पैसा मिलेगा 15,200 रुपये, और यहां पे मैं वर्ड लिखूंगा कितने रुपए, 1500 रुपये, और यहां पे इस कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो साइन करेगा। ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया कि भैया मुझे कैश मिल चुका है, और ये जो ओरिजिनल है ना ये किसको देगा, ये जो खरीदेगा उसको मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो कैश मेमो में अब दिमाग क्या लगाना, पार्टी का नाम इन्वॉल्व होगा, डेट होगा, क्वांटिटी होगा, क्या प्राइस पे होगा, क्या मैंने परचेस किया है, सेल्स किया, वो सब इसमें लिखा हुआ होगा। क्लियर है? चलो अब ये इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस होता है नॉर्मली व्हेन ट्रेडर सेल्स द गुड्स ऑन द क्रेडिट, ट्रेडर गिव्स द सेल्स इनवॉइस। जब भी आपको कोई सामान बेचता है और आपने कहा कि मैं सामान का जो पैसा है 1 दिन बाद 2 दिन बाद या 10 दिन के अंदर पैसा दे दूंगा, तो वो इनवॉइस रेफ करता है कि भाई अब हमारी डील हो चुकी है। सपोज करो मैं लैपटॉप खरीदने गया और लैपटॉप में वो मैं उसको जानता हूँ उस पर्सन को, मैंने कहा यार मैं लैपटॉप का पैसा वाला तेरे को 5-10 दिन में दे दूंगा, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं, दीपक मैं तेरे को जानता हूँ, और 50,000 रुपीज़ का मैंने लैपटॉप खरीदा, अभी तक उसको पैसे पे नहीं किए, पर मेरी और उसमें बातचीत हो चुकी है, मैंने ऑर्डर दे दिया, मेरी डील हो गई है कि ये लैपटॉप मैं लेके जा रहा हूं अपने बिजनेस के अंदर, मैं तेरे को पैसे 10 दिन के अंदर दूंगा, तो मेरी डील 50,000 में हो चुकी है। हाँ तो उसको मैंने भी पैसे पे नहीं किए, डील तो हो चुकी है ना, हाँ तो वो मुझे इनवॉइस रेस करेगा, ही व्हेन द ट्रेडर सेल्स द गुड्स ऑन द क्रेडिट ही गिव द सेल्स इनवॉइस, ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू परचेजर, बट ऑब्वियस अगर मैं लैपटॉप लूंगा तो मुझे इनवॉइस मिलेगा, बट ओरिजिनली मुझे मिलेगा, और डुप्लीकेट जो सामान बेचता है उसके पास वो इनवॉइस रखेगा। ओरिजिनल हमेशा मेरे पास रहेगा, आप कुछ भी सामान खरीदते हो, क्या वो अमेज़न से हो, क्या वो शॉपर स्टॉप से हो, क्या वो जूडियो से हो, ओरिजिनल आपको देगा, ओरिजिनल आपको देगा जो डॉक्यूमेंट होगा, और उसकी जो जीरोक्स कॉपी होगी, डुप्लीकेट कॉपी होगी, वो अपने पास रखेगा, ओरिजिनल वो कभी भी अपने पास नहीं रखेगा, ओरिजिनल आपका, बिकॉज आपने आपने सामान खरीदा है तो आपको मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, ओरिजिनल कॉपी
given to the purchaser. Duplicate copies kept with him. When trader purchase the goods, जब मैं purchase करता हूँ, trader get the sale invoice. But obviously, जब मैं चीज purchase करूँगा, तो मुझे sale invoice मिलेगा from the supplier. Original copy हमेशा purchaser को मिलेगी. और trade और ये invoice और bill में क्या होता है? इसको मैं credit memo में बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ? Credit memo बोलता हूँ. और क्या क्या आएगा? Date of transaction हो गया, bill number आएगा, name of parties involved. सिंपल है यार, डेट होगा, कौन सी डेट पे ट्रांजेक्शन हो गया, बिल नंबर क्या है, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, कितना क्वांटिटी ली, क्या प्राइस पे ली, क्या कुछ मुझे डिस्काउंट मिला क्या, वो सब इसके अंदर मेंशन होगा. देखो कुछ ऐसा दिखता है इनवॉइस. आप देखो यहाँ पे विशाल, ये पार्टी का नाम है, ये बिल नंबर है, ये मैंने इसको इशू किया, ये मेरा जो सामान खरीदा वो लिखा हुआ है, डिस्काउंट कितना मिला, अमाउंट इन वर्ड्स हो गया. और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन भी लिख दी है, अगर 10 दिन में पेमेंट दोगे तो मैं तुम्हें 5% कैश डिस्काउंट दूंगा. और अभी तक पेमेंट आया नहीं है, पेमेंट आया नहीं है. यहाँ पे डेट है, ये डेट है, पेमेंट आया नहीं है. पेमेंट तो बाद में आ जाएगा, कहाँ भागा जा रहा है, पर हमें बिल तो रेस करना पड़ेगा, इनवॉइस. तो ये इनवॉइस, विशाल स्टील लिमिटेड ने कुछ सामान बेचा है और ये बिल इशू कर रहा है, इतने का सामान सैनियो ट्रेडर ने खरीदा है, उसको ओरिजिनल कॉपी मिली हुई है और ये अकाउंटेंट उसका वहाँ पे साइन करेगा. और अभी तक पैसा आया नहीं है, लिखा हुआ है कि अगर मैं पैसा इतने दिन में पेमेंट करूंगा तो इस पे मुझे 5% डिस्काउंट भी मिलेगा. ठीक है, ये रिसीट क्या होता है? देखो रिसीट होता है व्हेन ट्रेडर रिसीव द कैश फ्रॉम द कस्टमर, ही इशू अ रिसीट कलेक्टिंग द नेम ऑफ द कस्टमर. बट ऑब्वियस होता क्या है, मैंने लैपटॉप सपोज करो, ये मैंने खरीद लिया. अब इस दिन पे मैंने अभी पेमेंट नहीं दिया, मुझे पेमेंट कब देना है? मुझे 10 दिन के बाद पेमेंट देना है, 10 दिन के अंदर पेमेंट देना है. अब अगर मैंने खरीद लिया सामान, मेरे पास आ गया, उसके बाद 4 दिन बाद मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ गए और मैं उस दुकान पर गया, मैंने कहा यार आपका पैसा बाकी है, ये लो पैसा, तो क्या मैं उसको पैसा दे के घर आ जाऊँगा? कुछ प्रूफ नहीं लूँगा, कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं लूंगा, क्या प्रूफ होगा कि मैंने उसको कुछ पैसा पे किया है? व्हाट इज अ प्रूफ? तो मैं जाऊंगा, इनवॉइस नहीं, इनवॉइस तो रेस कर चुका है, ये बना चुका है, बिल बना चुका है, दो बार बिल तो नहीं बनाएगा, एक बार बिल बना दिया. अब वो बिल बनाने के बाद मैं 4 दिन बाद उसको पैसा देने गया, मैंने एक लैपटॉप खरीदा एक राहुल से, अभी मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं देखो 5 दिन बाद दे दूंगा पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसने बिल रेस कर लिया आज की डेट पे और 5 दिन के बाद मैं गया, यार राहुल तेरे पैसे, तो जब मैं उसको पैसे दूंगा तो वो कुछ तो लिखेगा कि दीपक ने 50,000 रुपए पे किए, वो साइन करेगा. क्योंकि अगर वो इशू नहीं करेगा तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या होगा? 10 दिन बाद बोलेगा दीपक तूने पैसे दिए नहीं, मैं बोलूंगा भाई मैंने तेरे को पैसे दिए हैं. समझ में आया? तो ये बात आप ध्यान रखना. तो आपका रिसीट होता है जब मैं किसी को पैसे देता हूं, व्हेन ट्रेडर रिसीव, जिसको पैसे मिलते हैं वो रिसीट कंटेन करता है. अगर मैंने राहुल से खरीदा है तो राहुल एक रिसीट इशू करेगा कि भाई मेरे पास 50,000 रुपए आ गए. रिसीट इज डिफरेंट फ्रॉम अ इनवॉइस. रिसीट सिर्फ कैश का लेना देना, बैंक या कैश का लेना देना होता है, इनवॉइस बिल होता है. तो मैंने इनवॉइस, मैंने बिल, मैंने लैपटॉप आज खरीदा, पेमेंट 5 दिन बाद दिया, जिस दिन मैं पैसे उसको दूंगा वो एक रिसीट इशू करेगा. ये कुछ ऐसे दिखती है, ये कंपनी है, ये रिसीट इशू करेगी. रिसीव रुपीज दिस, मुझे ना सपोज करो 50,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम एक्स वाई फ्रॉम सैनियो ट्रेडर लिमिटेड फॉर कैश नंबर फॉर द पर्पज ऑफ द लैपटॉप परचेज. यहाँ पे लिखेगा रिसीव बाय दे. तो इसमें क्या 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 कंटेंट होता है? सेम यहाँ पे भी सेम ही होता है, कौन सी डेट पे हुआ, पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, रिसीट नंबर, कितना पैसा मिला और अकाउंटेंट का नाम और स्टैंप एक्सेट्रा यहाँ पे होगा. क्लियर है? तो रिसीट ध्यान रखना, जब मैं किसी को पैसा पे करता हूँ तो वो मुझे रिसीट देगा और ओरिजिनली रिसीट वो उसको मिलती है जो पैसा पे करता है. जो पैसा पे करेगा वो ओरिजिनली होगा, बिकॉज उसके बेसिस पे वो एंट्री करेगा. क्लियर है? समझ में आया? सो स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको बता दिया कि ये फोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये इनवॉइस क्या होता है, रिसीट क्या होता है. अब हम मूव करेंगे कि भाई ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्लेन स्लिप और ये चेक क्या होता है. पर आगे बढ़ने के पहले मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है. होता क्या है, मुझे बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आपने ये हमें सब कुछ तो सिखा दिया, बट सर हम इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे करें, ये जो थ्योरी के जो नोट्स हैं ये हमें एक बुक में कहाँ मिलेंगे जो सिस्टमेटिक वे से
अरेंज किए हो, तो आपके लिए सॉल्यूशन आ चुका है। ये बुक है, यस, ये ओसवाल पब्लिशर की बुक है, दैट्स अ वेरी ऑसम बुक। इसमें सारे चैप्टर्स के थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखो ये है आपकी ओसवाल पब्लिशर, द मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, जो क्लास 11th की भी आती है एंड क्लास 12th की भी आती है। इसमें सब कुछ है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये जो नोट्स है, ये फर्स्ट चैप्टर का नोट्स है, अकाउंटिंग क्या होती है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इन अ आई कैचिंग फॉर्मेट के अंदर है, जिसे आप एक बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। फिर इसके अंदर देखो पूरे सिस्टमैटिक वे से नोट्स अरेंज्ड है। दूसरा, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सारे हैं, भर भर के हैं, जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के क्वेश्चंस हैं, आपके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस हैं, बीआरएफ के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक वे से सॉल्व भी किए हुए हैं। और आप देख सकते हो इसके अंदर एमसीक्यूज भी हैं। यस, आप एक बार क्वेश्चन करो, उसके बाद आपको लग रहा है नहीं मुझे एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, तो इसमें भर भर के एमसीक्यूज भी हैं। तो दिस इज अ वन शॉट बुक जिसमें सब कुछ कवर है। ये बुक आपको कहां मिलेगी? ये बुक आपको Amazon पे मिल जाएगी, आप सर्च करोगे। देखो बुक कुछ ऐसी दिखती है, क्लास 11th की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बुक, आप सर्च करोगे Amazon पे मिल जाएगी। ओसवाल पब्लिशर की बुक है ये, एंड ये अगर आपको वहां पे खत्म हो गई हो बुक, तो आपकी इनकी जो साइट है ओसवाल की, नीचे मैंने वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ, वहां मिल जाएगी। मेरा आप कोड जरूर लगा देना, अगर आप मेरा कोड लगाओगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इनकी साइट पे। तो अकाउंट फंडा का अगर आप कोड लगाओगे तो आपको 10% है ना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये Amazon पे ले सकते हो और इनकी साइट पे ले सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक दे रखे हैं, बहुत सारे मेरे जो पास्ट जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर रह चुके हैं, नॉर्मली इसी बुक से वो प्रैक्टिस करते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम करते हैं द नेक्स्ट द पार्ट, द डेबिट नोट। ये डेबिट नोट क्या होता है? बहुत आपने सुना होगा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये है क्या डेबिट नोट? चलो आपको बताता हूं, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। सपोज करो कि मैं ये पेन बनाता हूं, क्या बनाता हूं? पेन, और मेरी कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड। अब रिलायबल पेन लिमिटेड पेन बनाता है, पर पेन की जो इंक है ना वो खुद नहीं बनाता। रिलायबल पेन ने कहा यार मुझे ना इंक बनानी नहीं आती, पर इंक एक मुंबई की कंपनी है महिमा इंक लिमिटेड, मैं वहां से खरीदता हूं। क्या खरीदता हूं? महिमा इंक लिमिटेड से मैं 1,00,000 रुपए की इंक खरीदता हूं। तो मैं हर महीने उससे खरीदता रहता हूं, अच्छी इंक बेचता है वो, मैं उससे खरीदता हूं और उससे मैं वो अपने पेन में डालता हूं, पेन मार्केट में बेचता हूं। अब हुआ क्या, मैं हर महीने महिमा इंक से इंक खरीदता रहता हूं। सपोज करो इस महीने मैंने 1,00,000 रुपए की इंक महिमा इंक लिमिटेड से खरीदी, जो कि मुंबई की फर्म है। अब होता क्या है, कभी कभी कोई जो, और उसने महिमा इंक लिमिटेड से मैंने 1,00,000 का सामान लिया और उसने मुझे 1,00,000 का बिल दे दिया, इनवॉइस रेस कर लिया। अरे जब मैं सामान खरीदूंगा तो वो बिल रेस करेगा ना, तो महिमा इंक लिमिटेड ने मुझे एक इनवॉइस रेस कर दिया, बिल रेस कर दिया, ये रहा आपका 1,00,000 रुपए का बिल। मैंने कहा चलो ठीक है, बिल 1,00,000 रुपए का बिल भी आ गया, मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया। सपोज करो मैंने इंक मेरे फैक्ट्री में भी आ गई, जब मेरे इंक फैक्ट्री में आई मैंने कहा यार ये 1,00,000 में फैना कुछ है ना, कुछ जो इंक की जो बॉटल्स है ना वो खराब है, डिफेक्टिव है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो मैंने फोन किया महिमा इंक लिमिटेड को, महिमा इंक लिमिटेड तुमने जो ये इंक भेजी ना 1,00,000 में से, इसमें से 5,000 रुपए की इंक खराब निकली है, बेकार निकली है। महिमा इंक ने कहा अरे यार चिंता क्यों करता है भाई रिलायबल पेन लिमिटेड, तू वापिस भिजवा दे, वो इंक वापिस भिजवा दे, मैं तेरे को नया माल बाद में भेज दूंगा। अच्छा अब सुनो, मैं कौन हूं? रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने 1,00,000 रुपए का सामान खरीद चुका हूं, बिल मुझे महिमा इंक से मिल चुका है 1,00,000 का। अब हुआ क्या है कि मैंने 5,000 की इंक वापस कर दी महिमा इंक को, यही तो लिखा हुआ है रिटर्न इंक ऑफ रुपीज ड्यू टू द डिफेक्ट, मुझे अच्छी नहीं लगी मैंने वापस कर दी। अब एक बात बताओ, जब मैं सामान किसी को वापस करूंगा तो क्या मैं उससे पैसे वापस नहीं लूंगा? क्या पैसे वापस नहीं लूंगा या फिर मैं एक नया बिल रेस करूंगा? नहीं, मैं बिल रेज नहीं कर सकता। क्यों सर? आप जब उसको 5,000 रुपए का सामान वापस दे रहे हो तो आप एक बिल बना दो कि आपने उसको 5,000 सामान आपने उसको बेचा। नहीं, मेरा कमान इंक, मेरा जो काम है वो इंक बेचना नहीं है, मेरा काम है पेन बेचना, मैं खरीदी हुई इंक वापस दे रहा हूं। ये होता है परचेज रिटर्न, परचेज किया 1,00,000 रुपए का सामान और रिटर्न किया 5,000 का सामान, 1,00,000 का परचेज किया,
रिटर्न कितना किया 5000 का, तो यहां पे ये क्या बन गया, परचेज रिटर्न बन गया। तो एक बात बताओ, जब मैं कोई सामान वापस देता हूं तो मैं बिल तो बना नहीं सकता, ना ही मैं महिमा इंक को बोल सकता हूं कि महिमा इंक की एक काम करो, अपना जो तुमने मुझे जो बिल दिया हुआ है, सपोज करो उसने ये बिल दिया है, इसमें ना तुम ना चेंजेस करो। महिमा इंक बोलेगा क्या यार, तो बिल में क्यों चेंजेस करा रहा है, 1 लाख का बिल बन तो गया है, वापिस बनाऊंगा, वापिस ये बिल को फाड़ूंगा, वापिस मैं अकाउंटेंट को बोलूंगा, ये तो बड़ा तामझाम का काम हो गया, कोई शॉर्टकट बता ना। मैंने कहा हाँ एक शॉर्टकट है, मैंने कहा एक शॉर्टकट है, मैं हूँ रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने कहा एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है बताओ। चलो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं तेरे को 5000 रुपये का सामान वापिस दे रहा हूँ, हाँ कुछ तो मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए कि मुझे तेरे से 5000 रुपये लेने, मुझे महिमा इंक से, अरे जब मैं 5000 का सामान वापस दूंगा तो मैं उसे 5000 का सामान जो पैसा वापस लूंगा ना, अभी महिमा इंक ने पैसे नहीं दिए पर मैं उससे पैसा लूंगा तो सही, तो जब मैं उसको सामान भिजवाऊंगा उसके साथ एक डॉक्यूमेंट और भिजवाऊंगा, एक डॉक्यूमेंट और भिजवाऊंगा और उसको मैं बोलता हूं डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों बोलूंगा, क्योंकि मैं उससे 5000 रुपये मुझे महिमा से लेने हैं। और आपको जनरल एंट्री का रूल पता है, जनरल एंट्री का रूल क्या है, जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं, जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो मैं उसको डेबिट करता हूं, अरे जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो मैं क्या करता हूं, डेबिट करता हूं। तो भैया मुझे महिमा इंक से पैसे 5000 रुपये लेने हैं तो मैं अपनी बुक्स के अंदर यहां पर लिख दूंगा कि भैया मुझे तो महिमा इंक से पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं 5000 रुपये, मेरा एक तरह से एसेट बन रहा है, तो मैं महिमा इंक लिमिटेड को डेबिट करूंगा। अगर मैं कोई अकाउंट बनाता हूं, ये अगर महिमा इंक का अकाउंट है, महिमा इंक का मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो यहां पे ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, तो यहां पे मुझे 5000 रुपये मैं उससे डेबिट कर रहा हूं, मैं उससे वापिस सामान लेना है। यहां पे मैं लिखूंगा सपोज करो टू परचेज रिटर्न, मैं डेबिट नोट उसको इशू करूंगा, डेबिट नोट, तो मैं महिमा इंक को डेबिट कर रहा हूं, डेबिट साइड में एंट्री कर रहा हूं कि मुझे तेरे से 5000 रुपये लेने हैं, और यही इसी को मैं बोलता हूं डेबिट नोट। जब मुझे कोई सामान वापिस करता हूं तो मुझे उससे वो 5000 रुपये वापिस लेने पड़ेंगे, तो उस सामान के बदले जो मुझे रुपए आने वाले हैं, मैं उससे मुझे पैसे लेने हैं तो मुझे उसको डेबिट करूंगा अपनी बुक्स के अंदर, और डेबिट करूंगा, आपको पता है जो डेबिट किया हुआ जो अमाउंट होता है अल्टीमेटली मेरा एसेट में आता है कि मुझे उतना पैसा लेने हैं, और यहां पे वो डेबिट नोट बनाऊंगा और कुछ इस तरह से डेबिट नोट दिखेगा। डेबिट नोट कुछ इस तरह से दिखता है मेरे एग्जाम्पल के केस में। अगर मेरा एग्जाम्पल क्या है, मेरा एग्जाम्पल है मैं हूं कंपनी रिलायबल, तो मैं यहां पर नाम लिखूंगा रिलायबल पेन लिमिटेड। सपोज करो ये मेरा एड्रेस है रिलायबल पेन लिमिटेड 72 RA इंडस्ट्रियल एरिया, ये मेरा एड्रेस है। मैंने डेबिट किया, किसको डेबिट किया, टू सपोज करो यहां पे मैंने ये जो एड्रेस लिखा इसकी जगह मैं यहां पे ऐड लिख दूंगा महिमा लिमिटेड, महिमा इंक लिमिटेड, ये मेरा फॉर्मेट हो गया। ओके मैंने कौन सा डेबिट नोट नंबर क्या है, कितना नंबर है डेबिट नोट नंबर होगा, यहां पे डेट होगा, यहां पे मेरा नाम होगा, किसको रेस कर रहा हूं, कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, महिमा इंक को डेबिट कर रहा हूं, महिमा इंक लिमिटेड को डेबिट कर रहा हूं, कितने पे डेबिट कर रहा हूं, मेरा अमाउंट सपोज करो है कितना अमाउंट है भाई मेरा 5000, पे 5000 रुपए लिख दूंगा 5000 रुपए। एंड फॉर बिलो मेंशन फॉर द फैन नहीं इंक, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जानकर मैंने एग्जांपल दूसरा दिया जो आपको समझ में आए कि अगर कोई डेबिट नोट है तो अपन को कैसे कैसे फिल करना है। तो यहां पे आपने क्या किया, आपकी कंपनी का नाम, आपने महिमा इंक से 5000 रुपए लेने हैं तो 5000 रुपए लेने हैं महिमा इंक लिमिटेड, उसका एड्रेस क्यों लेने हैं, क्योंकि इंक आपने रिटर्न कर ली, डिफेक्ट कर लिया, यहां पे मेरी कंपनी का स्टैम्प और यहां पे मेरी कंपनी का नाम, यहां पे मेरी कंपनी का नाम, और मेरी बुक्स के अंदर, मेरी बुक्स में मैं दिखा दूंगा कि मुझे महिमा इंक से लेने हैं, तो ये हो गया डेबिट नोट। डेबिट नोट का फायदा यह है कि भाई मुझे इनवॉइस चेंज नहीं करना पड़ा, उसको महिमा इंक को इनवॉइस चेंज नहीं करना पड़ा, और मैंने उसको डेबिट कर लिया कि मुझे उससे इतने पैसे लेने हैं। तो डेबिट नोट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, डेट किस दिन मैंने डेबिट नोट इशू किया, डेबिट नोट का नंबर क्या है,
कौन किसको इशू किया, मैंने महिमा इनको इशू किया, अमाउंट कितना है वो होगा, कितने का अमाउंट का डेबिट नोट है, 5000 का 5000 का, और रीजन क्या है, खराब है या कोई लो क्वालिटी है या मेरे पास ज्यादा आ चुका है, वॉट एवर रीजन, यहाँ पे मैं रीजन भी लिखूंगा। हाँ, डेबिट नोट में रीजन लिखना नॉर्मली जरूरी होता है। तो सर ये क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट तो हम समझ गए, क्रेडिट नोट क्या होता है। हाँ, आप कोई शॉपर स्टॉप कभी गए हो, कभी जूडियो गए हो, कभी वेबसाइट गए हो, वहां पे वो आपको क्रेडिट नोट इशू करते हैं ना, याद है ना, आप जब सामान उसको वापस, आप एक, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलो ये मस्त एग्जांपल, मिस्टर राहुल है यार, एकदम फंकी है, और उसने एकदम फंकी सा टी शर्ट लिया, क्या लिया, एक अच्छा सा टी शर्ट लिया, किससे लिया, गुप्ता शर्ट से टी शर्ट लिया, मिस्टर राहुल ने एक फंकी सा कलरफुल टी शर्ट है ना, उसने किससे लिया, गुप्ता शर्ट से लिया। अब है ना ये जो टी शर्ट है ना, इसकी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगा, ये क्या टी शर्ट ले आए हो तुम, बेकार टी शर्ट ले आए हो, वापिस करो, वापिस करो। अब राहुल गया दुकान वाले के पास, गुप्ता वाले के पास, कि भैया मैंने तो ये टी शर्ट ले लिया पर ये लो क्वालिटी का है या मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आया, वापिस कर दो। आजकल तो 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है ना, तो गुप्ता ने कहा, गुप्ता शर्ट शॉप ने कहा, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे लॉयल कस्टमर हो और हम नहीं चाहते कि आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो, तो आपका ये जो टी शर्ट है हम ये वापिस ले लेते हैं। तो उसने, राहुल ने कहा मेरे पैसे तो दे दो, पैसे तो दे दो, कितने का टी शर्ट था, सपोज करो 1500 रुपए का था, 1500 रुपए का। गुप्ता वाले ने कहा सर पैसे हम नहीं देते। राहुल ने कहा अरे यार मैं आपको वापिस तो कर रहा हूँ टी शर्ट, पैसे तो दो। गुप्ता टी शर्ट ने कहा हम आपको पैसे वापिस नहीं देंगे, एक काम करते हैं सर, आप अगले 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर हमसे कोई दूसरा सामान लेके चले जाना, हम आपको एक क्रेडिट नोट देते हैं। क्या देते हैं, एक क्रेडिट नोट देते हैं जिससे आपका हम अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट नोट, राहुल ने कहा क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट का मतलब हो गया आपने हमें सामान वापस दिया, बहुत अच्छी बात है सर, हम आपको 1500 रुपए का आपने जो सामान वापस दिया, अगले 6 महीने के अंदर आप कोई भी हमारी दुकान से 1500 रुपए का सामान ले सकते हो और उसका हम पैसा नहीं लेंगे। मतलब राहुल को पैसे नहीं मिलके क्या मिल गया, क्रेडिट नोट मिल गया। और क्रेडिट नोट ये कंपनी क्यों, ये इसका नाम उसने क्रेडिट नोट क्यों रखा, सुनो ये है कंपनी तो ये अकाउंट क्रेडिट कर रही है। हम क्रेडिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं, हम क्रेडिट कब करते हैं, जब मुझे, मैं हूं गुप्ता शर्ट शॉप, तो मुझे राहुल को पैसे देने हैं फ्यूचर में, पैसे नहीं तो कुछ शर्ट देना है या कुछ जीन्स देनी है, बेल्ट देना है, कुछ तो मुझे उसको देना है ना राहुल को, तो मुझे राहुल को कुछ 1500 रुपए का सामान देना है या फिर कैश देना है, वॉट एवर मुझे उसको जो वापस करना है वो मेरी लाइबिलिटी है, वो गुप्ता शर्ट शॉप की लाइबिलिटी है कि मुझे उसको 1500 का सामान देना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी बन जाता है। जैसी लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैं राहुल को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहा हूं, मैं राहुल को अपनी बुक्स में क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं, और इसी को मैं बोलता हूं क्रेडिट नोट। क्या बोलता हूं मैं, क्रेडिट नोट। तो गुप्ता शर्ट शॉप अपनी बुक्स में राहुल को क्रेडिट कर रहा है, मतलब राहुल का अकाउंट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, मुझे राहुल को पैसे देने हैं, और क्रेडिट नोट कुछ यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे गुप्ता, अगर वो गुप्ता वो बनाता है, गुप्ता शर्ट शॉट बनाता है, तो वो यहाँ पे लिखेगा मुझे राहुल को 1500 रुपए की मेरी लायबिलिटी है, सिर्फ वो उसने पैसे तो पहले ही दे चुका है, मैं पैसे वापस नहीं करके उसको सामान दूंगा वापस, तो ये मेरा क्रेडिट नोट होगी। क्या क्या होता है क्रेडिट नोट, कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मेरा आपका एक फॉर्मेट है, आपका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसी को चेंज करता हूं, कौन क्रेडिट नोट इशू कर रहा है मेरे अंदर इशू कर रहा है गुप्ता शर्ट शॉप। ये उसका एड्रेस, ये क्रेडिट नोट नंबर, ये कौन सी डेट पे, ये किसको इशू कर रहा है, ये इशू कर रहा है सपोज करो राहुल को इशू कर रहा है, किसको इशू कर रहा है, राहुल को इशू कर रहा है। वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट विथ रुपीज कितना, 1500 रुपए
1500 रुपये फॉर बिलो मेंशन रीजन, क्यों भैया नहीं पसंद आई है। अदर फॉर शर्ट चेंज, उसको शर्ट चेंज कराना है और 1500 रुपये कौन बना रहा है, ये गुप्ता बना रहा है, गुप्ता शर्ट शॉप बना रहा है और यहाँ पे उसका स्टैम्प। आपको कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया कि गुप्ता शर्ट लिमिटेड क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, मतलब राहुल का अकाउंट क्रेडिट कर रहा है 1500 रुपये से, कि अब मैं आपका अकाउंट क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका अगले 6 महीने तक मुझे आपको 1500 रुपये या तो वापस देना है या फिर आपको शर्ट वापस देना है या बेल्ट देना है, मुझे आपको कुछ ना कुछ देना है तो मैं आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। तो ये होता है क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट में क्या क्या होता है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट नोट नंबर होता है, पार्टीज क्या होता है, कितने अमाउंट क्रेडिट नोट है और रीजन क्या है क्रेडिट नोट इशू करने का, और यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए यहां पे, ये आपके लिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ो, ठीक है ना। चलो अब हम पढ़ेंगे ये पे इन स्लिप। आगे या पे इन स्लिप में आगे बढ़ने पहले एक लाइक जरूर करो, लाइक करना भूल जाते हो, आप लाइक करो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो, यस क्योंकि यूट्यूब आपकी बदौलत तो ही मैं ग्रो करूंगा। तो पे इन स्लिप क्या होता है, देखो पे इन स्लिप होता है जब आप कभी बैंक जाते हो, अपने पापा मम्मी के पास बैंक जाना, तो अगर आप कभी कोई कैश जमा कराते हो, कोई चेक जमा कराते हो, तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती है, बैंक को बताना पड़ता है कि ये मेरे अकाउंट के अंदर चेक जमा करना है, ये मेरे अकाउंट के अंदर चेक जमा करना है, इतना अमाउंट का चेक है। तो सपोज करो अगर ये पे इन स्लिप कुछ ऐसे दिखती है, दिस इज द थिंग जो पे इन स्लिप दिखती है। सपोज करो कोई कोटक महिंद्रा बैंक की है, तो यहां पे ये बताएगा कि भैया मैं तो यहां पे चेक लाया, चेक नंबर सपोज करो 7412, ये अपना था, ये किसका चेक है। सपोज करो मेरे पास चेक HDFC बैंक का चेक है, मुझे कोई मेरे दोस्त ने, राहुल ने HDFC बैंक का चेक दिया, तो वो चेक नंबर क्या है, ये है चेक है, मेरा अकाउंट कोटक में, मेरा अकाउंट कोटक में, उसका चेक कहां पे, HDFC में है, कितने का चेक है। सपोज करो 5000 का चेक है, तो यहां पे लिखूंगा 5000 का चेक है, यहां पे मैं अमाउंट भरूंगा 5000, यहां पे ये मेरा अकाउंट भरूंगा, ये है अकाउंट नंबर, मेरा अकाउंट भरूंगा, उसका अकाउंट नहीं भरूंगा, मेरा अकाउंट में पैसे जमा कर लो 5000, यहां पे डेट होगी। तो आप कभी जाओगे ना पापा मेरे पास, इस बार एक काम करना, एक बार आप खुद जाना उनके पास कि भाई मैं पे इन स्लिप भरूंगा, तो यहां पे आपका अकाउंट नंबर, यहां पे आपको जो चेक मिला वो चेक नंबर क्या है, कौन सी बैंक का चेक है, क्या डेट है, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन नंबर, ये सब आपको भरना पड़ेगा। और ये होता है काउंटर फील नंबर, मतलब ये इसका डुप्लीकेट, जब आप चेक जमा कराते हो और डुप्लीकेट आपको अपने पास रखना पड़ता है, तो यहां पे वही लिखा हुआ है विच इफ अवेलेबल द बैंक, यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है, आप जाओगे तो वहाँ पे अवेलेबल होगा। ईच प्लेन स्लिप हैव द काउंटर फ्लाई विच इज बींग रिटर्न बाय द डिपोजिटर ड्यू दिस स्टैम्प एंड फाइन। ये जो काउंटर फ्लाई है ना, ये जो चेक जो आप बैंक को जमा कराओगे, तो ये चेक ये जो है ना वो फाड़ के आपको दे देगा और इसमें ठप्पा लगा देगा। सपोज करो कोटक बैंक का ठप्पा लग जाएगा, ठप कि आपने हमें ये डॉक्यूमेंट दिया है, तो पे इन स्लिप हो गया। इसमें क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, डेट, अकाउंट नंबर, मोड ऑफ पेमेंट, कैश और चेक और द अमाउंट, ये सब चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है ना। चलो अब हो गया ये चेक क्या होता है, चेक तो आपको सभी पता है, ये देखो ये सपोज करो ये है मेरी चेकबुक, दिस इज माई चेकबुक। अब इस चेकबुक में क्या होता है, ये चेक होता है, एक ऑर्डर होता है जो मैं बैंक को दे रहा हूं, मैं ऑर्डर बैंक को दे रहा हूं, इट इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक टू पे द स्पेसिफाइड फंड अ पर्सन नेम इन इट। सपोज करो कि मुझे मिस्टर अनिल को कुछ पैसे पे करने हैं, तो मैं एक करूंगा, यहां पे लिखूंगा अनिल को मुझे पे करना है, कितना पे, यहां पे मैं डेट भरूंगा। सपोज करो अगर आज डेट है 02/05/2024, यहां पे मैं डेट भरूंगा, यहां पे अमाउंट भरूंगा, कितने अमाउंट है, मुझे 5000 पे करने हैं, मैं यहां पे लिखूंगा 5000 ओनली लिखूंगा, मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं, आई एम ऑर्डर इन राइटिंग, मैं अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं, अपनी सपोज करो मेरी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक है लेट्स सपोज, और यहां पे मैं अपना साइन कर रहा हूं, जैसे ही मैंने यहां पे साइन किया मैं अपनी बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि भाई अनिल को पे कर दे, कितने रुपए, 5000 रुपए पे कर दे,
क्यों पे करना है, रीजन वीजन कुछ नहीं लिखना चेक के अंदर, चेक में कुछ रीजन वीजन नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ पे इट राइटिंग डाउन व्हेन टू पे द स्पेसिफाइड फंड टू द बियरर, ईच चेक बुक ऑल्सो हैव द काउंटर फाइल इन विद द सेम डिटेल एंटर्ड एज इन आवर फील्ड फॉर आवर रिकॉर्ड, काउंटर फाइल रिमेन विद द अकाउंट होल्डर फॉर द फ्यूचर। हर एक के सपोज करो ये जो चेक बुक है, तो चेक बुक के पीछे ना एक है ना लास्ट में ना एक है ना डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप है ना डिटेल्स भरते हो। देखो ये रहा आपका काउंटर फाइल, ये रहा आपका यहाँ पे जहाँ पे डिटेल भरते हो कि मैंने ये वाला चेक नंबर, सपोज करो यहाँ पे चेक नंबर लिखा हुआ होता है, तो ये चेक नंबर मैंने मिस्टर अनिल को इशू किया है, ये चेक नंबर मैंने प्रियंका को इशू किया है, ये चेक नंबर मैंने राहुल को इशू किया है, तो यहाँ पे ये सब लिखा होगा। तो चेक एक तरह से ऑर्डर है, उसके पास एक काउंटर, पीछे काउंटर फाइल भी होती है, नॉर्मली डेट होता है, नेम ऑफ द पार्टी, अकाउंट नंबर, देखो इसमें अकाउंट नंबर मेरा अकाउंट नंबर लिखा होगा, ठीक है ना, अकाउंट नंबर मेरा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये लिखा होगा, यहाँ पे कितना अमाउंट पे करना है, देखो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, मुझे उसको पे करना है। क्लियर है, समझ में आया? तो चेक आपको समझ में आ गया। कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ये जो डेबिट वाउचर, कंपाउंड वाउचर, ये सब क्या होते हैं, आज के बाद आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं वाउचर होता क्या है, ये वाउचर किस चीज का नाम है। देखो मैंने एक लैपटॉप लिया, अब वो लैपटॉप कितने का लिया, 50,000 रुपए का, तो वो लैपटॉप वाले ने मुझे सपोज करो एक बिल देगा, उसमें लिखा होगा कि मैंने रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम सपोज करो रिलायबल पेन लिमिटेड है, मैंने रिलायबल पेन लिमिटेड को एक लैपटॉप बेचा, तो उसने मुझे क्या दिया, बिल दिया। अब वो बिल मेरे पास आया, लैपटॉप तो आ गया, बिल आ गया, मैंने वो बिल अकाउंटेंट को दे दिया, अब अकाउंटेंट उस बिल के बेसिस पे बुक्स में एंट्री करेगा, जनरल एंट्री करेगा, इस बिल के बेसिस पे जनरल एंट्री करेगा, और वो जनरल एंट्री जिस बेसिस पे करेगा, वो बिल के बेसिस पे करेगा, तो ये जो बिल हो गया, ये हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद मैं एक वाउचर बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा कि भाई ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, और वाउचर ऐसे यहां पे बना दूंगा, बिल पीछे रहेगा, वाउचर होगा, और इसमें मैं बता दूंगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो सब मैं इसके अंदर लिखूंगा। मतलब वाउचर इज अ सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो मैंने लैपटॉप खरीदा, बिल आया, तो ये मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं एक वाउचर बनाऊंगा, और वाउचर में लिखूंगा कि मेरी बुक्स में एज पर द जनरल एंट्री रूल्स कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो सब मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो वाउचर क्या होता है, वो यही होता है, वाउचर इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट विच प्रिपेयर ऑन द बेसिक ऑफ विच वी डेबिट, कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये सीरियली नंबर होता है। सर एक बार वाउचर दिखा दो ना, थोड़ा आपको थोड़ी आसानी होगी। चलो मैं काम करता हूँ, आपको एक वाउचर दिखाता हूँ, ये रहा वाउचर, तो ये रहा डेबिट वाउचर, तो ये मेरी कंपनी का नाम है, सपोज करो विशाल स्टील लिमिटेड मेरी कंपनी है, ये मेरा एड्रेस है, ये वाउचर नंबर है, ये डेट है, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कौन सा अकाउंट मैंने डेबिट किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया, तो ये डेबिट वाउचर है। मतलब वाउचर इज अ सेकंड स्टेप, पहला मुझे सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसके बाद मैं वाउचर बनाऊंगा, और ये वाउचर जो होते हैं ये सीरियली नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये सीरियली नंबर होंगे, और ये हर अकाउंटेंट हर चीज के लिए जो भी चीज खरीदेगा उसका वाउचर बनाएगा कि ये जो लैपटॉप है, सपोज करो लैपटॉप का जो रूल है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश, सपोज करो जो मेरी एंट्री होती है ना, जो मेरी एंट्री होती है, सपोज करो मेरी एंट्री होगी लैपटॉप टू कैश, अब ये इसके बेसिस पे ये वाउचर बनाएगा, इसमें लिखेगा कि मैं लैपटॉप अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, ये कैश वाउचर है, और इसके ऊपर लगा देगा और यहाँ पे स्टेपल कर लेगा, यहाँ पे स्टेपल कर लेगा, और ये बन गया मेरा वाउचर। दिस इज वाउचर जिसके बेसिस पे मेरी एंट्री क्या की है, मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किया, और ये है मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो गए, तो चलो आप एक को मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ वाउचर के बारे में, इट इज अ सीरियली नंबर, सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंटिटी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंट इट वो बताता है कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगा, ये नॉर्मली क्लर्क और अकाउंटेंट बनाते हैं, नॉर्मली सीए लोग भी बनाते हैं, बिकॉज सीए लोग थोड़ी हायर लेवल काम करते हैं। ईच वाउचर इज काउंटर साइन बाय द ऑथराइज पर्सन ऑफ द फर्म, सीरियल नंबर सब में होते हैं। मैं आपको एक ना पहले सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर बता चुका हूँ, सोर्स डॉक्यूमेंट बिल होता है,
सॉफ्ट डॉक्यूमेंट बिल होता है तो इट इज सपोर्टेड, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है वाउचर को और वाउचर सपोर्ट करता है सॉफ्ट डॉक्यूमेंट को, दोनों को, दोनों देखो ना, इसको ये सपोर्ट करता है, इसको ये सपोर्ट करता है और इसको ये सपोर्ट करता है, तो वाउचर इज सपोर्टेड बाय सॉफ्ट डॉक्यूमेंट, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट सपोर्टेड बाय वाउचर, वही मैंने लिखा हुआ है, इट इज सपोर्टेड बाय द वाउचर, इट इज सपोर्टेड बाय सॉफ्ट डॉक्यूमेंट, इट कंटेन द फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट सारी ट्रांजेक्शन का डिटेल करता है कि क्या कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इट मेन सॉरी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट बताता है मैंने लैपटॉप परचेस किया, कितने का परचेस किया, क्या मैंने कौन सी डेट को परचेस किया, और वाउचर बताता है मैं कौन सा अकाउंट डेबिट किया, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया, वाउचर बताता है कौन सा अकाउंट मैंने डेबिट किया, कौन सा अकाउंट मैंने क्रेडिट किया, वो क्या बताता है, वाउचर बताता है, ओके, इट इज अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट, पहले फोर्थ डॉक्यूमेंट आएगा फिर वाउचर बनेगा ना, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये फोर्थ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं वाउचर बनाऊंगा, तो पहले फोर्थ डॉक्यूमेंट फिर वाउचर बनेगा ना, ओके, इट इज अ एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, लैपटॉप खरीदी उसका ये एविडेंस है कि लैपटॉप का बिल है और ये है एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि मैंने जो एंट्री रिकॉर्ड की उसका एविडेंस, तो ये एंट्री का एविडेंस है, ये ट्रांजेक्शन का एविडेंस है, लैपटॉप खरीदी उसका एविडेंस और मैंने लैपटॉप को अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया इसका एविडेंस, ये इसको अपन बोलते हैं बिल मेमो, कैश मेमो, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर बता चुका हूँ, नहीं देखा तो नीचे लिंक पे देख लेना, कैश और इसको बोलता हूँ कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर एंड द कंपाउंड वाउचर, ये क्या होते हैं आपको बताता हूँ, तो वाउचर दो टाइप के होते हैं नॉर्मली, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर, कैश वाउचर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैश में, बैंक की ट्रांजेक्शन भी कैश में होती है, कैश इज अ जेनरिक टर्म, कैश के अंदर बैंकिंग टर्म्स भी इंक्लूड है, अगर कोई चेक से पेमेंट करेगा वो भी कैश वाउचर ही होता है, तो कैश वाउचर दो टाइप, देखो दो टाइप के वाउचर होते हैं कैश और नॉन कैश, कैश वाउचर जहां पे कैश इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैंने फर्नीचर खरीदा कैश पे किया वो कैश वाउचर, मैंने एक मशीनरी खरीदी कैश पे किया कैश वाउचर, व्हीकल खरीदा कैश पे किया कैश वाउचर, ओके, या मैंने बैंक से पे किया, और कैश वाउचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर, अब दोनों फर्क क्या है, तो वाउचर दो, कैश वाउचर नॉन कैश, कैश वाउचर अगर मैंने कुछ सामान कैश में लिया तो कैश वाउचर की एंट्री करूंगा, मतलब मैं एंट्री करूंगा कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश वाउचर बन गया, और अगर मैंने उसको पेमेंट नहीं दिया, सपोज करो कि मैंने राहुल से सामान खरीदा, लैपटॉप खरीदा और उसको पेमेंट नहीं दिया, तो भैया एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, सिंस इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, लैपटॉप खरीदा पैसे नहीं दिए अभी तक, तो वो नॉन कैश वाउचर हो गया, वो यहाँ पे आ जाएगा नॉन कैश वाउचर, ठीक है ना, समझ में आया, तो पहले अपन कैश वाउचर तो दो टाइप के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट होते हैं, चलो तो पहले अपन ये देख लेते हैं कैश वाउचर के अंदर, ये कैश वाउचर प्रिपेयर फॉर द कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसीट और कैश पेमेंट, और कैश वाउचर डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ये डेबिट वाउचर क्या होता है, डेबिट वाउचर होते हैं जो कैश पेमेंट पे करते हैं, आपको रूल पता है, मैंने आपको रूल बताया था जनरल एंट्री का, नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया था सब देख लो ना, उस जनरल एंट्री के रूल के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, जब भी मैं किसी को कैश पे करता हूं, जब भी मैं किसी को कैश पे करता हूं तो मेरा कैश जाता है, जब मैं किसी को कैश पे करता हूँ तो कैश मेरा एसेट है, भाई मेरी जेब में अगर पैसा पड़ा है तो वो मेरा एसेट है, तो जब मैं किसी को मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खरीदूंगा मैंने उसको कैश पे किया तो कैश मेरी मेरे अकाउंट से जा रहा है तो कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल किसका दिया, चलो मैंने एग्जांपल दिया फर्नीचर का, तो मैंने एग्जांपल किया सपोज करो मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैंने फर्नीचर डेबिट करूंगा टू कैश करूंगा, कितने का फर्नीचर लिया सपोज करो 4000 का, तो यहाँ पे कैश तो हो रहा है क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो रहा है, पर है तो कैश वाउचर, तो कैश वाउचर में मैं ये बताऊंगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो जब मैं किसी को पैसे पे करूंगा तो कैश तो क्रेडिट हो रहा है, जब मैं किसी को पैसे पे करता हूं तो रूल क्या कहता है, रूल तो यही कहता है जब मैं पैसे पे करूंगा तो मेरा कैश एसेट हो गया, क्रेडिट हो गया, कैश माइनस हो गया, तो जब मैं किसी को पैसे पे करता हूं तो कैश मेरा क्रेडिट होता है, बट मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया वो कैश वाउचर बताएगा, तो डेबिट वाउचर में ये बताएगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश तो जा रहा है, डेबिट वाउचर में आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर कैश डेबिट होता है तो कैश आ रहा है, नहीं, डेबिट वाउचर में है तो कैश वाउचर, कैश वाउचर ये बता रहा है
कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब मेरा कैश तो जा रहा है, अकाउंट डेबिट कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पे फर्नीचर हो रहा है। तो ये आपका एग्जांपल, देखो ये एग्जांपल, मैंने फर्नीचर खरीदा, सपोज करो मेरी कंपनी का नाम है विशाल स्टील लिमिटेड, ये मेरा है, ये मेरा वाउचर नंबर है, ये मेरा डेट है, ये मैंने फर्नीचर खरीदा, तो आई एम डेबिटिंग फर्नीचर। यहाँ पे कहीं पे भी कैश वाउचर नहीं, यहाँ पे कहीं वो नहीं लिखा, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है डेबिट वाउचर। इसका मतलब है कि मैं कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ। ये एज्यूम एजम्पशन है कि क्रेडिट तो कैश ही हो रहा होगा, बिकॉज ये वाउचर है, डेबिट वाउचर है, तो इसका मतलब है क्रेडिट तो कैश ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे डेबिट कौन सा कर रहा हूँ, फर्नीचर। तो मैं कैश जब मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, इफ द नेट अमाउंट कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट, हाँ, दीज आर प्रिपेयर फॉर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग, जब मैं फॉर द कैश पेमेंट, जब मैं कोई कैश परचेज करता हूँ, मैंने फर्नीचर खरीदा या कोई खर्चा किया या कोई एसेट खरीदा या मैंने इन्वेस्टमेंट किया या मैंने किसी को पैसे पे किए या मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, जब जब मेरा पैसा गया तो मैं कैश वाउचर बनाऊंगा, और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा वो मेरा डेबिट वाउचर बताएगा। डेबिट वाउचर में डेट आएगा, सीरियल नंबर आएगा, कौन सी पार्टी को मैं डेबिट कर रहा हूँ, कितना अमाउंट होगा, और उसके पीछे जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, जैसे लैपटॉप मैंने अगर खरीदा तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, तो लैपटॉप का बिल नंबर होगा या फर्नीचर का बिल नंबर होगा और उसकी नरेशन होगी। ये कुछ ऐसे दिखता है, ये कुछ ऐसे दिखता है। अगर 5,000 से ऊपर होता है तो हमें एक स्टैंप ड्यूटी भी लगानी पड़ती है, अलग अलग रूल्स होते हैं। ओके, तो दिस आर द डेबिट वाउचर, तो मैं कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, क्रेडिट मेरा कैश हो रहा है पर डेबिट कौन सा हो रहा है। सिमिलरली क्रेडिट वाउचर में दीज आर प्रिपेयर फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ कैश रिसीट, मैंने कोई सामान बेचा तो भैया जब मैं कोई सामान बेचूंगा तो आपको जर्नल एंट्री, अभी आप जर्नल एंट्री में मत पढ़ो, अगर आपने जर्नल एंट्री अभी तक नहीं किया तो आप डोंट वरी, अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, तो मैंने सामान बेचा, तो जब मैं सामान बेचता हूं तो मुझे कैश आता है, तो जब मुझे कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो ये डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो भाई साहब क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, ये हो रहा है सेल, तो इसको बोलता हूँ क्रेडिट वाउचर बोलता हूँ। इट इज़ फॉर द कैश रिसीट, जब मुझे पैसे आ रहे होते हैं तो मैं क्रेडिट क्या करूँगा, मैं कोई सामान, मेरी इनकम हुई, मैंने कोई सामान बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, फिक्स एसेट बेचा, मैंने कोई डेटर से मुझे पैसे आए, जब जब मुझे पैसे आएंगे मैं क्रेडिट वाउचर बनाऊंगा कि कौन सा अकाउंट मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। और ये क्या क्या, ये कुछ ऐसे दिखेगा कि विशाल स्टील कि मैंने मशीनरी बेची, बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, मैंने इतने की मशीनरी बेची, ये मेरा डेट, ये मेरा कंपनी नाम, एड्रेस, ये मेरा क्रेडिट वाउचर नंबर, और ये मेरे अकाउंटेंट ने मेरे यहां पे साइन किए हुए हैं। तो जब भी मुझे कोई पैसा मिलेगा तो क्रेडिट वाउचर बनाऊंगा, तो ध्यान रखना जब मुझे पैसा मिलता है तो क्रेडिट वाउचर, जब पैसा देता हूं तो आपका डेबिट वाउचर बनेगा। क्लियर है, समझ में आया? ये नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं, जहां पे ना डेबिट ना क्रेडिट कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, ना डेबिट इन्वॉल्व है, ना सॉरी ना कैश इन्वॉल्व है, ना बैंक इन्वॉल्व है। मतलब मैंने सपोज करो एक लैपटॉप खरीदा राहुल से, अभी आप जर्नल एंट्री में मत पढ़ो, प्लीज जर्नल एंट्री में मत पढ़ो, मैंने एक लैपटॉप खरीदा राहुल से, तो मैंने एंट्री क्या की, अभी आपको अगर जर्नल एंट्री नहीं आती डोंट, आप परेशान मत हो, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, मैंने राहुल से खरीदी तो मैं एंट्री करूंगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू राहुल। सपोज करो मैंने 50,000 का लैपटॉप लिया, तो 50,000 का लैपटॉप, यहाँ पे कहीं पे भी कैश आ रहा है क्या, मैंने उससे लैपटॉप खरीदा, पैसा पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करूंगा, तो कहीं पे भी कुछ वो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है क्या, कहीं पे भी आ रहा है कैश का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, नहीं, बैंक का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, नहीं, जहाँ पे कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होते उसको मैं बोलता हूँ ट्रांसफर वाउचर, जिसको मैं नॉन कैश वाउचर भी बोलता हूँ। तो उसके लिए मैं ये वाउचर प्रिपेयर करता हूँ, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू राहुल, जहाँ पे कैश और डेबिट कुछ नहीं होते हैं। तो नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जैसे कि मैंने क्रेडिट परचेज किया, मैंने कोई सामान खरीदा, पैसे पे नहीं किए, मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा पैसे नहीं आए, मैंने कोई सामान रिटर्न किया पैसे नहीं आए, मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, मैंने अपनी अकाउंटिंग एंट्री की, वो सब में मेरे होंगे। तो क्रेडिट वाउचर कुछ ऐसे दिखते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैंने ये मशीनरी खरीदी, मैंने सीमर से खरीदी, सीमर लिमिटेड, मैंने इतने की मशीनें खरीदी, मुझे सीमर को इतने पे करने हैं, अभी तक पैसे पे नहीं किए, तो ये यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों आएगा। तो ट्रांसफर वाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों आता है, और कैश वाउचर
वाउचर में सिर्फ डेबिट या क्रेडिट ही आएगा, क्योंकि बट अगर कैश वाउचर तो कैश ही होगा, क्रेडिट या डेबिट होगा, पर ट्रांसफर वाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाऊंगा। ये मेरा कंपनी का नाम, ये मेरा ट्रांसफर वाउचर नंबर, ये मेरा डेट और यहाँ पे मेरा रहेगा। अब ट्रांसफर वाउचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कंपाउंड वाउचर, डॉक्यूमेंट शो इन द ट्रांसफर, जहाँ पे मल्टीपल डेबिट होते हैं, जैसे देखो डेबिट कंपाउंड वाउचर का क्या मतलब होता है, जहाँ पे मल्टीपल डेबिट होते हैं, जैसे कि मैंने राहुल से एक लैपटॉप लिया 50,000 रुपये का, डेबिट किया, मैंने एक फर्नीचर भी लिया, मैंने कहा एक फर्नीचर भी दे देना, तो उसने कहा चलो 20,000 का फर्नीचर, और मुझे राहुल को पे करने हैं कितने 70,000 रुपये, अभी तक पे नहीं किए, तो यहाँ पे दो डेबिट हो रहे हैं, तो ये डेबिट कंपाउंड वाउचर हो गया। डेबिट कंपाउंड वाउचर, जैसे ये डेबिट मैंने मशीनरी खरीदी, एक मशीनरी दूसरी मशीनरी, दो डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट एक ही हो रहा है, इसको डेबिट कंपाउंड वाउचर बोलता हूँ। और क्रेडिट कंपाउंड वाउचर, जहाँ पे दो क्रेडिट हो रहे हैं, मैंने किसी को सपोज करो सैलरी पे की, मैंने सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट, सपोज करो मैंने राहुल को सैलरी दी, मैंने पूजा को सैलरी दी, मैंने क्या कहते हैं राजवंत को सैलरी दी, मैंने उनको सैलरी दी, कितनी सैलरी दी, सपोज करो 10,000 रुपये इसको दी, मैंने इसको 20,000 रुपये दी, इसको 5,000 रुपये दी, तो यहाँ पे 35,000 रुपीज़, तो यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है, देखो क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट 1, 2, 3 है, तो इसको डेबिट, ये क्रेडिट कंपाउंड वाउचर है, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट 1, 2, 3 हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट कंपाउंड वाउचर है, जहाँ पे ज़्यादा कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा, उसको मैं कंपाउंड वाउचर बोलता हूँ। क्लियर है? चलो सो स्टूडेंट, इसी के साथ मैंने फोर्थ डॉक्यूमेंट खत्म किया, और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यस आप लाइक करना मत भूलना। आप जैसे ही एक लाइक करते हो, YouTube का एल्गो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है, एंड जस्ट सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड यस यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यहाँ पे एक सुपर थैंक्स है, एंड टेलीग्राम चैनल मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लेना, फुल कोर्स मेरा अवेलेबल है accountfunda.com पे, यस वहाँ पे जाओ, पूरा कोर्स अवेलेबल है, क्लास 11th का 160 आवर्स का, क्लास 12th का 240 घंटे का, 11th में अराउंड मैंने 400 क्वेश्चन एंड 12th में 1000 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करवाए हैं, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स के अंदर 100% मेरे मार्क्स भी आ चुके हैं, एंड यस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड यस वो जो ओसवाल पब्लिकेशन की जो बुक का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके उसको बाय भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।